बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 3 बहनें हैं। राजनीतिक व्यवस्थता के बीच वो कभी भी अपनी बहनों से राखी बंधवाना नहीं भूलते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों से राखी जरूर बंधवाते हैं। रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री खुद अपनी बहनों के पास पहुंच जाते हैं या फिर उन्हें अपने पास बुलवा लेते हैं। सीएम नीतीश की 2 बहनें उषा और इंदु ने एक चैनल से बातचीत की है और उसमें नीतीश कुमार के बारे में बताया है। उनकी सबसे बड़ी बहन उषा देवी ने नीतीश कुमार के बचपन की बातें भी शेयर की। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि अब उनका भाई देश की राजनीति करे। उषा देवी के मुताबिक अब तक कोई ऐसा रक्षाबंधन नहीं गया जिसमें उनके भाई नीतीश कुमार ने राखी न बंधवाई हो। वो कितना भी राजनीति में व्यस्त रहते हों, लेकिन राखी के दिन 3 बहनों के घर जाते हैं या तो सभी को अपने पास बुलाते हैं। मैंने छठी मैया से मन्नत मांगी थी कि जब मेरा भाई बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं छठ व्रत करूंगी। जब वो पहली बार सीएम बने तब से लेकर मैं आज तक छठ व्रत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से राजनीति करें। मेरी तमन्ना है कि मेरा भाई देश का प्रधानमंत्री बने, बाकी भगवान की मर्जी। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।